हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शोज किचन। आज हम बना रहे हैं दम आलू। ये छोटे छोटे से पोटैटोज़ हैं, ये टमाटो है दो, ये अनियन है दो मोटा कटा हुआ दोनों, और ये थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा प्याज, जिंजर और हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, होममेड गरम मसाला। ये फ्राई पैन में अब हम थोड़ा सा तेल डाल के गैस ऑन करना है और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें अभी हम ये जो प्याज है उसे भून लेंगे थोड़ा सा, और फिर इसका पेस्ट बना लेंगे हम लोग। इसमें अच्छे से सॉटे करेंगे इसे, प्याज का जो कच्चा पना है उसे ख़त्म करके। इसे हम ग्राइंड करेंगे मिक्सर में, इसे और अदरक और ये लहसुन है थोड़ा सा उसे भी हम अच्छे से भूनेंगे, और ठंडा होने के बाद में इसे हम पीस देंगे। पीस के इसे अलग रखेंगे और टमाटो प्यूरी, टमाटो को भी पीसेंगे, उसे भी अलग रखेंगे। देखिए अभी ये प्याज भून चुका है, इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब इसे हम देखिए ये अच्छे से भुना गया है। अभी ये भून चुका है, अभी ये हो चुका है। इसे अब ठंडा होने के बाद में हम इसे मिक्सर में डाल के पीस देंगे। टमेटो को अलग पीसेंगे हम लोग, टमेटो को अलग पीसना है, और ये प्याज ठंडा हो चुका है, अब इसे भी हम अलग पीस देंगे। और ये बेबी पोटैटो बॉईल करके इसे अभी इसका स्किन हमने निकाल के रख चुके हैं, अभी इसे हम पीस देंगे। फ्राई पैन में अब गर्म हो चुका है, इसमें थोड़ा सा घी डाला है हमने। इसमें अभी ये जो बेबी पोटैटो है जो इसका स्किन निकाल के रखी हमने, उसे हम अभी हल्का सा भून लेंगे। इसे अच्छे से सॉटे करना है, इसका हल्का सा चेंज कलर चेंज होना चाहिए। देखिए ये इसका कलर देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है अभी। अब ये टमाटो जो पीसा हुआ है उसमें हम 1 टेबल स्पून चिली पाउडर डालेंगे, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, और ये मेरा होममेड गरम मसाला है उसे भी हम डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून सॉल्ट भी डाल देंगे इसी में हम। घी डालने से इसका टेस्ट अच्छा आता है। देखिए चारों तरफ से ये भून चुका है, अच्छे से इसे भूनना है, इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए ये अच्छे से भून चुका है, अभी अच्छे से सॉटे हो गया है। घी के वजह से इसमें अच्छे सा स्मेल आएगा और टेस्ट भी, ये देखिए अब हो चुका है। इसे अभी हम डिश में निकाल देंगे। सेम फ्राई पैन में अब हम 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब ये तेल गरम हो चुका है, इसमें हमने जो टमाटर जो पीसा हुआ है और सारे मसाले डाले हैं उसे हम डाल के अच्छे से उसे पका लेंगे। फाइव मिनट्स तक इसे अच्छे से भून के अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, क्योंकि प्याज पहले ही भून के पीसा हुआ है।
पक चुका है, चारों तरफ इसकी ऑयल आ गया है, यानी कि अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता डालूँगी, ड्राई करके मैं रखती हूँ, हल्का सा उसे हाथ से प्रेस करके उसे क्रश करके डालना है, इससे अच्छा टेस्ट आता है। और आपके ये जो बेबी पोटैटो है इसे भी डाल दीजिए। अब ये हो चुका है, अब इसे हम डिश में निकाल लेंगे। अब ये हो चुका है, अब इसे हम डिश आउट कर देंगे। अब देखिए इसे हमने डिश में सर्व कर दिया है, खाने के लिए रेडी है।